देकर सम्मानित करते हुए हमारे क्षेत्र के विधायक डॉक्टर वो तो पहले से तय था कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं, बीजेपी से उनका कुछ डील हुआ। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का साथ आखिरकार छोड़ दिया, उन्होंने नई पार्टी बना ली और उसके बाद उनकी नजदीकियां अब खुलेआम बीजेपी से देखने को मिल रही। संजय जायसवाल से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा को लेकर तरह तरह के बयान अब सामने आने लगे हैं, चाहे वो जदयू के नेता हों या फिर अन्य दलों के नेता हों जो कि महागठबंधन में शामिल। बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी की, जो गरीब संपर्क यात्रा पर हैं और गरीब संपर्क यात्रा के 10वें दिन उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी के संजय जायसवाल की मुलाकात को लेकर बड़ी बात कही और ये तक कह दिया कि डील तो उपेंद्र कुशवाहा की हुई थी, बात उल्टे नीतीश कुमार की कर रहे थे। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। बीजेपी के संजय जायसवाल से मिले, वो तो पहले से तय था कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं, बीजेपी से उनका कुछ डील हुआ है। उल्टी पूछ रहे थे नीतीश कुमार को कि क्या डील हुआ है राजद से, तो ये तो बहुत पहले से बात हम लोग जान रहे थे, ये कोई नई बात नहीं है, इससे हम लोग आश्चर्यित नहीं। तो सुना आपने, जीतन राम मांझी कह रहे थे कि डील कहीं और हुई थी, डील किसी और की हुई थी और उस डील को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए बात नीतीश कुमार के उल्टे तौर पर कही जा रही थी उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा, ये मांझी का कहना है कहीं ना कहीं। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि उल्टा नीतीश कुमार को कह रहे थे, डील उनकी हुई थी और मुझे पता था, हम सभी को पता था कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसा करने वाले हैं। इसके साथ ही गरीब संपर्क यात्रा के 10वें दिन जीतन राम मांझी के बेटे संतोष तोमर और बिहार सरकार में मंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस प्रकार नीतीश कुमार से अपील की है, किस प्रकार सबका साथ सबका विकास वाली बात संतोष सुमन कर रहे हैं, वो भी सुनिए। देखिए, हम लोग शेखर देवरा नवादा का शेखर देवरा शुरू किया था, आज हम 10 दिन का था, 10वां दिन हम लोग टेक्निकली रूप से खत्म ही करेंगे। कल एक दो जगह सभा है, साथ ही बहुत सारे हमारे लोगों का आग्रह था, उस आग्रह पर कल परैया और गुरुआ में करेंगे, लेकिन एक सभा हमने आज दो जगह और है, हम लोग परैया में खत्म करने वाले हैं। बहुत ही हम लोग का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, हम लोग गरीबों से मिले, गरीबों का जो साथ था, जो हम लोग के प्रति साथ था, समर्थन था, उनका विश्वास जो बढ़ा है, हम समझते हैं हम लोग के लिए प्रेरणादायक है और इस प्रेरणा से हम लोग प्रेरणा ले करके आगे बढ़ेंगे, उनके लिए और रणनीति बनाएंगे, उनकी लड़ाई और तेज करेंगे और जो भी हमारी समस्याएं हैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से मिल करके आरजू करेंगे कि वो समस्याओं का निपटारा हो, जो हमारे स्तर से होगा हम लोग करेंगे और जो उनके स्तर से होगा उनको देंगे। हम समझते हैं किसी में जन कल्याण है, गरीबों का कल्याण है, तभी वो आगे बढ़ेंगे और सबका साथ और सबका विकास होगा। तो सुना आपने, जीतन राम मांझी को भी सुना और संतोष सुमन को भी सुना, ये दोनों अपनी बातें अलग अलग कह रहे थे, क्योंकि जीतन राम मांझी ने पॉलिटिकली बयान दिया और संतोष सुमन ने अपने इस अभियान को लेकर, अपने इस यात्रा को लेकर बात कही, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से मांग की। लेकिन जीतन राम मांझी ने एक बात कही, जीतन राम मांझी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की डील हुई थी और उपेंद्र कुशवाहा अपनी डील के बदले नीतीश कुमार की डील की बात कर रहे थे। अब देखिए, सबके सामने है, अब जो है बिहार की सियासत किस ओर केंद्रित होती है, किस ओर बढ़ती है, यह भी देखने वाली बात होगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।